स्टार प्लस के पॉपुलर शो तू सूरज में सांझ पियाजी के आने वाले सीक्वेंस में व्यूवर्स देखने वाले हैं कि उमा शंकर और कनक मिलकर नंदा की सच्चाई को एक्सपोज करने वाले हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल शो के आने वाले सीक्वेंस में व्यूवर्स देखेंगे कि किस तरह से कनक ने ये ठान लिया है कि वो किसी भी हाल में नंदा के बेटे को सबके सामने एक्सपोज करेंगे और नंदा की सच्चाई सबको बताएंगे। लेकिन उमा शंकर कनक की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कनक कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है या फिर सिर्फ बातें बना रही है। लेकिन इसी के बाद कनक एक बड़ा ही शातिर प्लान बनाती है, जिसके तहत वो घर में नंदा के बेटे यानी कि आदित्य मुक्ति पूजा का अरेंजमेंट करती है। आपको बता दें कि मुक्ति पूजा उसकी की जाती है जिसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद ही उमा शंकर कनक को ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि आदित्य मरा नहीं है, वो जिंदा है। अब कनक का ये प्लान तो फ्लॉप हो जाता है, लेकिन इसी के बाद ही कनक एक नया प्लान लेकर आती है और वो उमा को कहती है कि क्यों ना हम न्यूज़पेपर में ये इश्तियार छपवा दें कि नंदा का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी है। अगर उनका बेटा आदित्य इस खबर को देखेगा तो वो तुरंत ही घर पर लौट आएगा और इसी के साथ सबको ये पता चल जाएगा कि नंदा का बेटा आदित्य अभी भी जिंदा है और इसी के साथ नंदा की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि वो अभी भी अपने बेटे को छुप छुप कर मिलती है और उमा शंकर के सामने भी नंदा की सारी सच्चाई आ जाएंगे जिन पर वो आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम।